सरकारी खरीद में पैसा मिलने में थोड़ा सा कभी कभी हफ्ता दस दिन का विलम्ब हो। उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ के दौरान साधु संतों का पड़ाव स्थल रहने वाला नीलगंगा पड़ाव स्थल अब जूना अखाड़े की नीलगंगा पीठ बन गई है। गंगा दशहरा के मौके पर जूना अखाड़े की इस नव निर्मित नीलगंगा पीठ का लोकार्पण किया गया। महायोगी पायलट बाबा को इस पीठ का पीठाधीश्वर बनाया गया। इस दौरान अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की अगुवाई में सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों ने उनका पट्टाभिषेक कर उन्हें नीलगंगा पीठ की जिम्मेदारी सौंपी गई। इससे पहले दत्त अखाड़ा से शिप्रा का जल लेकर कलश यात्रा शुरू की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं कलश लेकर शामिल हुई। वहीं साधु संत और महामंडलेश्वर रथ बग्घी में बैठकर यात्रा में शामिल हुए। कलश यात्रा के नीलगंगा पहुंचने पर यहां बनाए गए 3 मंजिला शिवलिंग के आकार के माध्यमिक भवन का महायोगी पायलट बाबा, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी महाराज, महामंडलेश्वर नारायण गिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर शैलेशानंद जी महाराज, योग माता चेतना गिरी, योग माता श्रद्धा गिरी सहित महापौर मीना जोनवाल, पार्षद दुर्गा शक्ति सिंह चौधरी की मौजूदगी में लोकार्पण किया गया। इसके बाद आयोजित किए गए कार्यक्रम में महायोगी पायलट बाबा का पट्टाभिषेक किया गया और चादर ओढ़ाकर नीलगंगा पीठ का पीठाधीश्वर बनाया गया। इस मौके पर विशाल भंडारे और भजन सम्राट अनुप जलोटा की भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। देर रात सैकड़ों की संख्या में लोगों ने यहां भजनों का आनंद लिया। उज्जैन से अजय नीमा की रिपोर्ट के साथ इस नीलगंगा पे इससे 100 गुना अधिक प्रोग्राम हो, प्रचार प्रसार हो, पूजा पाठ हो, इसी श्रृंखला में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यही मतलब इस पीठ के पीठाधीश्वरों का धर्म प्रचार प्रसार, लोगों को अन्न भूखे को पासी कहने का, भूखे का अन्न प्यासे के पानी कुछ देने का व्यवस्थाएं जो है उसके लिए जगह जगह तमाम संग्रह करते हैं, वो व्यवस्थाएं करते हैं, ये व्यवस्था चलती रहेगी ऐसी मैं कामना करता हूँ। पट्टा अभिषेक हुआ है तो उसके बारे में जाए, जिस तरह पट्टा अभिषेक किया गया पायलट बाबा का, वो उसके बारे में बताएंगे कि उनको आज ऐसा होता है। जैसे कि एक नियम है कि हमारे यहाँ सर्वोच्च पदों पर उन व्यक्तियों को आसीन किया जाता है जिसका 40-50 साल का अनुभव है, या तमाम उसको जीवन में कठोरता के साथ कम से कम 30 साल का सीनियर उसको अपना अनुभव उस पीठ पर आसीन कर सकता है, उस पद की गरिमा चला सकता है। बाकी जो है काल महादेव जानते हैं, शुक्र देवता जानते हैं, शुक्र जी कहते हैं काल का परिणाम बताता है अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, नहीं तो कुछ चीज़ें तो आप भविष्य पर छोड़ दीजिए। हम भविष्य रखता नहीं हूँ, मैं स्वयं कुछ व्यवस्था में नहीं है, ये कार्य बताएगा ये ठीक हुआ कि बुरा हुआ, ये महादेव को छोड़ दीजिए नहीं।